श्रीलंका में इन दिनों क्या चल रहा है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बीच श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने पीएम मोदी से बड़ी गुहार लगाई है, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। साजिद प्रेमदासा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को भी टैग किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, कल श्रीलंका का राष्ट्रपति कोई भी हो, मेरा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से विनम्र और हार्दिक अनुरोध है कि वो सहायता जारी रखें। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी राजनीतिक दलों और भारत के लोगों से इस आपदा से बाहर आने के लिए मां लंका और उसके लोगों से मदद का आग्रह करता हूँ। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश श्रीलंका को करीब 2.2 करोड़ की अपनी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए अगले 6 महीने में लगभग अरबों डॉलरों की जरूरत होगी। पिछले कई महीनों से देश में जरूरी सामान और ईंधन की किल्लत बनी हुई है, जिसके बाद भारत कई बार श्रीलंका की मदद कर चुका है। इसलिए श्रीलंका वासियों को भारत से भरपूर उम्मीद है कि भारत लंका की मदद करेगा।